हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपके साथ हिस्ट्री की क्लासेज लेने वाला हूं। तो दोस्तों, ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। ये मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे कि आपको आसानी हो। आप भी इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें इस तरह से नोट्स बनाना। इस तरह से नोट्स बनाने से आपको याद हो जाएगा, आप किस तरह से किसी बड़ी चीज को एक सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसको लिखा है, जिससे कि मैं आपको धीरे धीरे समझाता भी रहूंगा और नोट्स भी तैयार होते रहेंगे आपके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि हम मेडाइवल हिस्ट्री की क्लासेज अभी शुरू किए हुए हैं। तो इससे पहले हमने जो क्लास शुरू किया था प्री मेडाइवल हिस्ट्री, जिसमें अरबियन अटैक हुआ था, तुर्की अटैक, इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक, यानी कि कुल 316 वर्षों तक चला था दिल्ली सल्तनत, जिसमें कई डायनेस्टी, कई सारे वंश आए और गए। उन सभी वंशों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं इन वीडियोस में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, ये चैनल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहां से सीखेंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर हो, में हो, बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री का सब कुछ आपको मैं यहां पर दूंगा। तो आपको कहीं बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप प्री मेडाइवल हिस्ट्री यहां से पढ़ रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैंने इस तरह से नोट्स तैयार किए हैं जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी हो, आप इस तरह से अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको पूरी तरह से याद रहेगा। जब भी आप नोट्स को उठा करके देखेंगे, पूरी हिस्ट्री आपको याद होती जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। पहला वंश है गुलाम वंश, जिसके फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड स्लेव डायनेस्टी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और इसी के कारण यहां से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। जब मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई जाटों के द्वारा, तो यहां से इनको शासन दिया गया 1206 ईस्वी से। तो स्लेव डायनेस्टी की यहां से इन्होंने शुरुआत की गुलाम वंश की। तो पहले शासक थे गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जो राजधानी था, कैपिटल था इनके शासन काल में, वो कैपिटल था, वो राजधानी था लाहौर। इनका कुछ टाइटल था, इनके कुछ नाम थे, वो क्या क्या नाम थे इन्होंने अपने आप को दिया हुआ था, वो था सिपाह सालार। सिपाह सालार यानी कि कमांडर चीफ ऑफ सोल्डर, सोल्डर का, सिपाहियों का चीफ, यानी कि सेनापति, यानी कि इन्होंने अपने आप को नाम दे रखा था सेनापति। लाख बक्स, लाख बक्स मतलब हु डोनेट्स 1,00,000 रुपीज, जो 1,00,000 रुपया डोनेट करता है। लाख बक्स मतलब 1,00,000 रुपया बक्सने वाला, देने वाला, तो 1,00,000 रुपया डोनेट करने वाले को कहते हैं लाख बक्स। तो ये इसका नाम था, ये बहुत दानी व्यक्ति था। कुरान ख्वा यानी कि हुर क्रेम द कुरान, यानी कि जिसने कुरान को रट रखा हो, यानी कि आप जानते हैं कुरान के हाफिज होते हैं, जिनको पूरा पूरा कुरान याद होता है। तो इसको भी, ये शासक था, राजा था, फिर भी अपने धर्म से कितना प्यार था, कितनी रिस्पेक्ट थी, पूरा कुरान इसको याद था, ये कुरान का हाफिज था। इसने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई हुई थी जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो बिल्डिंग्स है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया था इसका, किस इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी, सूफी संत थे, इनके गुरु थे, ये उनको अपना गुरु मानते थे, संत मानते थे, उनकी याद में, ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किया। और इन्होंने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुवतुल इस्लाम बनाया इन्होंने दिल्ली में। आपको बता दें, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत अगर पूछा जाए कुतुब मीनार किसने बनाना शुरू किया, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने बाद में जाकर के कुतुब मीनार की पूरी तरह से निर्माण करवाया, पूरी तरह से खत्म करवाया कुतुब मीनार का काम। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, बाय फॉलन फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल ही वाज प्लेइंग पोलो। पोलो एक खेल है, आपने देखा होगा घोड़े पर बैठ करके लोग खेलते हुए, आपने मूवीज में देखा होगा। तो पोलो खेल रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का गुलाम और उसका सन इन ला, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन ला इल्तुतमिश, वो राजा बनता है। यानी कि जो इल्तुतमिश है उसने
कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी की हुई थी, वो उसका दामाद था और गुलाम भी था इल्तुतमिस। तो यहां से इल्तुतमिस का शासन की शुरुआत होती है। इल्तुतमिस जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में, तो यहां से इल्तुतमिस शासन संभालता है। इल्तुतमिस वाज द स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिस जो था वो गुलाम था और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ही वॉज नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव्स। ही वॉज नोन, वह जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव्स मतलब गुलाम का गुलाम। यानी कि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक वो गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का, और ये इल्तुतमिस जो था वो कुतुबुद्दीन का गुलाम था। तो ये गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है। इसीलिए ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। उसने अपना जो राजधानी था उसको दिल्ली से, लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर लिया। He was known as the real founder of Delhi Sultanate. उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है, वास्तविक फाउंडर माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, वो उनका जो राजधानी था वो लाहौर था, लेकिन इसने पहली बार राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया। He was the first legal sultan of Delhi Sultanate. वह दिल्ली सल्तनत का पहला लीगल सुल्तान था। लीगल सुल्तान मतलब उसने जो पहले सुल्तान हुआ करते थे वो ईरान से लिखवा करके लाते थे कि हम हो चुके हैं सुल्तान यहाँ के। तो इसने पहले मुस्लिम गुरुओं से ऑर्डर के आधार पर पहला ये सुल्तान था जिसने मुस्लिम सल्तनत की शुरुआत की, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का लीगल सुल्तान कहा जाता है। ही डिवाइडेड हिज किंगडम इन टू इक्ता एंड अपॉइंटेड इक्तादार। उसने अपनी राजधानी, अपने पूरे राज्य को इक्ताओं में डिवाइड किया, बांटा, और उसके लिए इक्तादार अपॉइंट किया। अब इक्ता क्या होता है, जैसे कि आज हमारा देश है, इतना बड़ा देश है, अगर वहां अकेले मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को बैठ करके पूरा देश चलाना हो तो पूरे देश की समस्या तक क्या वो पहुंच सकेंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या किया हुआ है, प्रदेश के रूप में बांटा हुआ है, जिला के रूप में बांटा हुआ है, जिला के लिए जिला अधिकारी, विधानसभा के रूप में बांटा हुआ है, एक एक विधानसभा का क्षेत्र दिया हुआ है कि एक एक विधायक जाकर के बताए, एक एक सांसद जाकर के वहां बताएगा समस्या। इसी तरह से उसने एकता के रूप में बांटा, जैसे हमारे विधान क्षेत्र, सभा क्षेत्र है वैसे यहां पर एकता था, या सांसदीय क्षेत्र है वैसे एकता क्षेत्र था, और उसके लिए इक्तादार उसने अपॉइंट किया जिससे कि पूरे राज्य को वह अच्छी तरह से चला सके। आगे देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस सिल्वर क्वाइन टका एंड कापर क्वाइन जिताल। उसने सिल्वर के सिक्के बनवाए जिसका नाम टका था, और कापर के सिक्के भी बनवाए जिसका नाम जिताल था। ही फॉर्मड ए ग्रुप ऑफ नोबल। उसने विद्वानों का एक ग्रुप बनाया जिससे कि राजा की वो हेल्प कर सके किसी भी चीज को निर्णय लेने में। दिस ग्रुप वॉज नोन एंड तुर्काने चहलगानी। यानी कि ये जो ग्रुप था इसको तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाने लगा। इल्तुतमिस कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिस ने पूरा करवाया। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ग्वालियर ही अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज द सक्सेसर। यानी कि विक्ट्री ग्वालियर जीतने के बाद जब इसने, इल्तुतमिस ने ग्वालियर पर अटैक किया और उसने ग्वालियर को जीत लिया, तो उसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया शासन करेगी, क्योंकि इल्तुतमिस के पास कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए उसने अपनी बेटी को शासन देने का फैसला लिया, जिससे कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत लगा क्योंकि इससे पहले दुनिया की कोई मुस्लिम महिला शासक नहीं बनी थी, राजा नहीं बनी थी, वो रानी के रूप में ही थी। लेकिन रजिया को कहा ये मेरे उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करेगी, तो जिससे कि तमाम सारे बवाल उठे, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कोई भी नहीं चाहता था कि इसका शासन बने, लेकिन दिल्ली के लोगों के सपोर्ट से यह सम्राट बनी, राजा बनी, और उसने तमाम सारे अच्छे कार्य किए। तो रजिया वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया की पहली मुस्लिम महिला थी जो एम्परर बनी, सम्राट बनी। सी बिकेम सुल्तान विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों के हेल्प के द्वारा, दिल्ली के लोगों की सहायता के द्वारा वह सुल्तान बनी। सी वाज द फर्स्ट एम्परर हु वायलेंट इस्लामिक लॉ। जिसने इस्लामिक लॉ को तोड़ा वह पहली मुस्लिम महिला थी। सी एपियर्ड इन कोर्ट इन फुली मेल क्लॉथ। पूरी तरह से मर्दाना कपड़े पहन करके वह पहुंची थी कोर्ट में, तो जिसने मुस्लिम लॉ को रिवोल्ट किया। इन 1240 में सीवाज किल्ड बाय सम रॉबर्स, कुछ डाकुओं के द्वारा वह मारी गई एट कैथाल, कैथाल में, जो कि अभी हरियाणा में है कैथाल। वहां पर कुछ डाकुओं ने अटैक किया, कुछ लोगों ने जिनको पसंद नहीं था कि रजिया सुल्तान बने, तो 36 से 40 चार सालों के भीतर इसकी मृत्यु करवा दी गई डाकुओं के द्वारा अटैक करवा करके। आपको पता है ना कुछ, जब कोई भी राज्य होता है उसमें कुछ मेन मेन लोग होते हैं, कुछ जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, कोई भी राज्य है, वहां का विधानसभा है तो कई सारे विधायक हैं, और अगर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से बनने लगेंगे, विधायकों का सपोर्ट नहीं होगा,
कुल जनता से सपोर्ट लेकर के विधायक बनेंगे तो विधायकों का, सीएम बनेंगे तो विधायकों का उससे खिलाफ मोर्चा होगा। इसी तरह से रजिया जब सुल्तान बनी तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो लोगों ने उससे मरवाने के लिए तमाम सारे कोशिशें की और वह डाकुओं से अटैक करके उसे मरवा दिया। व्हाइल सी वाज रिटर्निंग फ्रॉम भटिंडा, जब वह भटिंडा से वापस आ रही थी तो कैथाल नामक जगह पर उसे कुछ डाकुओं द्वारा अटैक करके मरवा दिया गया। और उसकी मृत्यु के बाद, रजिया की मृत्यु के बाद, तो कई दो तीन शासकों ने, आपको पहले बताया है हमने इंट्रोड्यूस जब करवाया था कि मिडाइवल हिस्ट्री क्या है, जो तीन शासकों ने शासन किया लेकिन उनका शासन जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है, कभी भी आपसे उनसे शासन से नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक आता है वो है बलबन, जो कि 1267 में संभालता है और 1287 तक 20 वर्षों तक ये शासन करता है। बलबन इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, बलबन ने खून और लोहे की पॉलिसी अपनाई, यानी कि पूरी तरह से दृढ़ता से इसने शासन अपनाया। बलबन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज नाम का एक नया डिपार्टमेंट बनाया। इट वाज ए मिलिट्री डिपार्टमेंट, यह एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उसने नया डिपार्टमेंट बनाया मिलिट्री, जिससे कि उसकी फोर्स, उसकी सेना तैयार हो सके। बलबन इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ किंगशिप, बलबन ने किंगशिप की, राजा की थ्योरी बताया। क्या बताया? कि राजा जो होता है वो नियामते खुदा है, यानी कि खुदा की दी हुई नियामत है, गिफ्ट ऑफ खुदा, खुदा का दिया हुआ उपहार है एक राजा। जिल्ली अल्लाह है, यानी कि शैडो ऑफ खुदा, खुदा की परछाई है, खुदा के द्वारा बताए गए कार्य करता है, इसलिए उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो इस तरह से उसने किंगशिप के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। ही इंट्रोड्यूस थ्री ट्रेडिशंस, उसने तीन ट्रेडिशंस, तीन मान्यताओं को जन्म दिया, इंट्रोड्यूस करवाया। वो क्या क्या थे देखिए, पहला था सजदा। सजदा क्या था? सोल्यूट टू सुल्तान इन बैंड पोजीशन, यानी कि पूरी तरह से झुक करके सुल्तान को सोल्यूट करना है, सलाम करना है। ये पहला इंट्रोड्यूस उसने करवाया। दूसरा क्या इंट्रोड्यूस करवाया उसको देखते हैं चलिए। दूसरा इंट्रोड्यूस करवाया उसने पैबास। पैबास क्या था? किसिंग द राइट थंब ऑफ सुल्तान, जो राजा है, सुल्तान है, उसके राइट दाहिने अंगूठे को, पैर के दाहिने अंगूठे को किस करना था, चूमना था, ये उसका सेकंड नियम था। और तीसरा था नवरोज। नवरोज ईरानी न्यू ईयर मनाने के उसने शुरुआत किया, नवरोज जिसको नाम दिया। ही एबोलाइज्ड, उसने भंग कर दिया। क्या भंग कर दिया? दल चालीसा, जिसको तुर्काने चहलगानी कहते हैं, उसको उसने हटा दिया, यानी कि तुर्काने चहलगानी को उसने हटाया। क्यों? क्योंकि ये जो बलबन था ये भी तुर्काने चहलगानी का एक हिस्सा था, इसलिए उसने तुर्काने चहलगानी को हटाया कि कहीं कोई और ना इसी तरह से, जिस तरह से उसने शासन को अपनाया, किसने उस तरह से विद्रोह करके शासन को अपनाया, कोई जो तुर्काने चहलगानी है इसमें से कोई और ना निकल करके उसके शासन का विरोध कर दे, इसलिए उसने जो तुर्काने चहलगानी था, दल चालीसा था, 40 लोगों का, उसको हटाया। बिकॉज ही वॉज द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ही वॉज अवेयर अबाउट द कॉन्स्परेसी ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में वह जानता था कि इस ग्रुप में किस तरह से माहौल है, लोग किस तरह से बातें करते हैं, इसके बारे में वो अवेयर था। इतने वर्षों तक उसने उस ग्रुप के लिए काम किया था, उस ग्रुप का सदस्य था, तो उसने जान लिया कि ये ग्रुप खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने मिलिट्री ग्रुप की स्थापना की और इस ग्रुप को उसने पूरी तरह से हटा दिया। तो बलबन के बाद एक दो शासकों ने शासन किया लेकिन उनका शासन जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बलबन तक ही आपसे स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की जब भी शुरुआत होती है, जब भी गुलाम वंश के बारे में बात होता है, तो आपसे बलबन तक के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बलबन, रजिया, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये चार इंपॉर्टेंट शासक हैं स्लेव डायनेस्टी के, हमने सबके बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।